सो है गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू 01 ड्रीम एडिट्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की ट्रेंड कॉन्सेप्ट एडिटिंग, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। गाइस, ये एडिटिंग मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल ले आया। तो गाइस, एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने हर स्टेप को एकदम बारीकली बताया है। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस टाइप की एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हैं, तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। तो चलो गाइस, वीडियो को कर देते हैं बिना देरी के स्टार्ट। सो गाइस, इस बैकग्राउंड को कर लेना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन। और गाइस, इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ करूँगा, सबका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। गाइस, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एक ऐड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, सिंपली इसके अंदर आ जाएंगे। गाइस, हमारी एक पीएनजी है जो कि ट्रेन की है, सिंपली हम उसको वहाँ से ऐड कर लेंगे। गाइस, उसको यूज़ करने से हमारे फोटो के अंदर काफ़ी बढ़िया सा एक इफेक्ट आएगा। मैं यहाँ से उसको ले लेता हूँ। तो गाइस, ये हमारी ट्रेन वाली पीएनजी। करना क्या आप लोगों को, इसको ना कुछ इस टाइप से यहाँ पे फुली करके इसको लगा देना है। गाइस, मैंने इसको इस तरीके से सेट कर रखा है कि आप कुछ फुली करके लगाओगे ना, तो अपने आप ही ये सेट हो जाएगा। गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। गाइस, करना क्या, यहाँ पे मेरे से ना एक डिग्निटी का इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया था, तो इसको इरेज करने के लिए सिंपली आपको चले जाना है इरेजर टूल पे, इसके इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है। गाइस, इसकी हार्डनेस, ओपेसिटी और गाइस साइज अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को कुछ स्टेप से बड़ा करना है और इसको इरेज करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने कर लिया है अपने विग्निटी वाले इसको एरिया को इरेज। करना है कि आप लोगों को यहाँ से इसको राइट कर देना है। ठीक है, और गाइज यहाँ से ना अपने ऐड फोटो वाले ऑप्शन के अंदर जाके अपने मॉडल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। गाइज, ये मेरा मॉडल है, मैंने इसका कटआउट पहले निकाल रखा है, आप भी निकाल लेना। नहीं आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख के सिंपली सीख सकते हो। गाइस, इसको बढ़िया तरीके से एडजस्ट करना, ताकि हमारा थोड़ा ट्रेन भी दिखे और ये हमारा मॉडल भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो गाइस, ये देखने में अब ठीक लग रहा है। करना है कि आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड से इसको मर्ज करना है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना और अपने इरेजर वाले टूल के अंदर चले जाना। गाइस, अपने इरेजर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, हार्डनेस को गाइस यहाँ से कम कर देना 15, ओपेसिटी को भी गाइस यहाँ से 87 कर देना, और साइज़ अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप रख लेना। ऐसे मैं यहाँ से 21 रख लेता हूँ। आपको करना क्या है, अपने फोटो को यहाँ से थोड़ा जूम करना है और अपने शूज़ के पास थोड़ा सा इसको इरेज करना है। कि जैसे आप इसको इरेजर को यूज़ करोगे, जैसे कि देखोगे हमारा जो शूज़ है वो बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा यहाँ मर्ज होने लग रहा है। तो बस ऐसे ही ना अपने शूज़ को और अपने मॉडल को यहाँ से थोड़ा थोड़ा मर्ज करना है। तो गैस यहाँ से देखो, मैंने कर लिया है अपने बैकग्राउंड को मर्ज, अब देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। गैस यहाँ से कर देना है आपको राइट पे क्लिक। ठीक है, गैस यहाँ पे ना हमें एक विग्निटी वाला इफेक्ट डालना है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगेगा हमारे फोटो के अंदर। गैस यहाँ से मैं फिर से चले जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर और अपने एक विग्निटी वाली पीएनजी को यहाँ से ले लूँगा। तो गैस ये रही हमारी विग्निटी वाली पीएनजी। सबसे पहले तो आपको कुछ इसको इस टाइप से फुली करके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इसका गाइस ओपेसिटी यहाँ से आपको थोड़ा कम कर लेना है अपने फ़ोटो के हिसाब से। गाइस यहाँ पे मैं 51 रख लूँगा, जो कि देखने में काफ़ी औसम सा लग रहा है। गाइस यहाँ से कर देना है आपको राइट पे क्लिक, और गाइस इस आइकन पे क्लिक करके ना अपने फ़ोटो को कर लेना है सेव। ठीक है, और अपने फ़ोटो को कलर ग्रेडिंग करने के लिए अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे। तो गाइस आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और गाइस ये लाइटरूम का एकदम टॉपेस्ट न्यू वर्जन है, जो गाइस 6.1.0 जो कुछ ही दिन पहले आया है। इसके अंदर आपको सारे टूल अनलॉक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, करना क्या आप लोगों को, यहाँ पे एक थर्मामीटर का टूल दिखेगा, सिंपली इसके अंदर आ जाना। यहाँ पे आपको मिक्स कलर का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ से लास्ट वाले कलर को सिलेक्ट करना, पिंक को, और इसके सैचुरेशन को गाइस ह्यू को यहाँ से इंक्रीज़ कर देना 57, और सैचुरेशन को गाइस यहाँ से इंक्रीज़ कर देना 55। ठीक है, फिर आ जाना अपने इस वाले ऑरेंज वाले कलर के अंदर। गाइस इसकी सैचुरेशन को आपको माइनस करना है यहाँ से 39, और ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर देना है, इससे हमारे फोटो के अंदर थोड़ा ब्राइटनेस आ जाएगी। फिर गाइस अपने इस वाले पिंक वाले कलर को सिलेक्ट करना और इसके ह्यू को भी इंक्रीज़ कर देना, सॉरी गाइस माइनस करना है यहाँ से, और इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देना गाइस 58। ठीक है, अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से डन कर देना। आप देखो इसका बिफ़ोर और ये आफ्टर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
फिर गाइस यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव टूल का ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला, सिंपली इसके अंदर आ जाना। गाइस यहाँ से इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना 21, डेज को हल्का सा इंक्रीज करना गाइस 4 के अराउंड, और विग्निटी को भी हल्का सा माइनस कर देना गाइस 6, ठीक है। फिर आ जाना गाइस यहाँ से अपने ट्राइंगल वाले टूल के अंदर। गाइस अपने फोटो के अंदर शार्पनिंग दिया करो, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है अपने फोटो के अंदर। गाइस मैं यहाँ से 69 रख लूँगा इसकी शार्पनिंग, और यहाँ से इसकी मास्किंग को भी ऑन कर देना है, यहाँ से थोड़ा 11, ठीक है। अपने फोटो के अंदर नॉइस दे देना, जितना भी नॉइस होगा अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप इसका बिफोर देख सकते हो और यहाँ से आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने में गाइस, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एक शेयर वाले का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और अपने फोटो को कर देना है गैलरी के अंदर सेव, ठीक है। उससे पहले गाइस अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहेंगे।